आज लास्ट क्लास है पीजीबीपी का, 11 नंबर क्लास आज अपलोड करेंगे हम लोग आप लोगों के लिए। बेसिकली मैंने जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने 1 से 9 क्लास में पीजीबीपी में दिखा दिया था। मास्टर प्रॉब्लम इनडायरेक्ट अप्रोच से मैंने किया था आप लोगों को, मैंने दे भी दिया, वो क्लास नंबर 10 था। क्लास नंबर 11 जो आज का क्लास है वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम कुछ डायरेक्ट अप्रोच से प्रॉब्लम करेंगे, मतलब प्रोफेशनल इनकम कैसे कंप्यूट होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट डॉक्टर्स उसको देखेंगे, और एक इनडायरेक्ट अप्रोच का डिफरेंट प्रेजेंटेशन से एक प्रॉब्लम देखेंगे। बस ये करने से हम लोगों का पीजीबीपी समाप्त होता है। मैं आप लोगों को प्रॉब्लम भेजूंगा, वो प्रॉब्लम में अगर आप लोगों को कुछ करना है वो आप कर सकते हैं, क्वेरी है तो मुझे फोन करके पूछ सकते हैं। अच्छा, करने से पहले मैं दो चीज, छोटा चीज बता देना चाहता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार देख रहा था आ रहा है ईयर में। एक कान खुल के सुनिए, इनकम टैक्स इज अ पर्सनल एक्सपेंसेस तो डिसअलाउड, लेकिन इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स मतलब इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल का काम जो करता है उसको पेमेंट करने के लिए, अपील का काम करने के लिए जो लॉयर का फीस होता है, ये सब खर्चा अलाउबल एक्सपेंसेस है। याद रहेगा, क्या बोला जल्दी से, इनकम टैक्स एक्सपेंसेस इज डिसअलाउड लेकिन इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स का खर्चा अलाउड। ओके, चलिए। ओरिजित मुखर्जी माय फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ कलकत्ता, एग्जैक्टली डेलॉयट में है, बंदा काम करता है। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट एंड पेमेंट्स, प्रोफेशनल है, दैट्स व्हाई क्या बनाना है, रिसीप्ट एंड पेमेंट, इनकम स्टेटमेंट नहीं, दैट इज अ नियर अबाउट अ कैश बुक। कंप्यूट द इनकम, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। पूरा इंफॉर्मेशन दे दिया, छोटा प्रॉब्लम, लेकिन हम लोग करेंगे डायरेक्ट अप्रोच से। चलिए स्टार्ट करते हैं, खत्म भी कर देंगे। इलस्ट्रेशन दिखा जा रहा है, हाँ, इलस्ट्रेशन 1, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ पीजीबीपी। ऑफ मिस्टर ओरिजित मुखर्जी प्रीवियस ईयर 2019-20, असेसमेंट ईयर, अच्छा सभी लेके, अच्छा फीस भी देते हैं, करना ही पड़ेगा। मिस्टर ओरिजित मुखर्जी प्रीवियस ईयर 2019-20, असेसमेंट ईयर 2020-21, बस कौन सा अप्रोच, यहां पर नेट प्रॉफिट नहीं दिया जा सकता बिकॉज इट इज नॉट अ इनकम एक्सपेंडिचर, इट इज नॉट अ पीएल अकाउंट, इट इज जस्ट अ रिसीप्ट एंड पेमेंट। तो रिसीप्ट पेमेंट में आपको इनकम को एक जगह करना पड़ेगा, लेस अलाउबल एक्सपेंसेस, डायरेक्ट अप्रोच मैंने आप लोगों को सिखाया था। चलिए इनकम चार्जेबल अंडर पीजीबीपी, प्रॉफिट सेंडिंग्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, क्या है, प्रोफेशनल रिसीप्ट, ऑडिटर का काम से जो मिलता है, प्रोफेशनल रिसीप्ट, कितना, 2 लाख, 2 लाख इज अ बैलेंस, ओपनिंग कैश बैलेंस होगा 8,14,000। इनकम फ्रॉम अकाउंटिंग वर्क, ऑडिटर अकाउंटिंग वर्क भी करता है, यस, इनकम फ्रॉम अकाउंटिंग वर्क 14,000,
वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसके पास एक्सपर्टाइज है, वो मेरे कॉलेज में भी आके लेक्चर दे सकता है, लेकिन सैलरी ऑफ अ कॉलेज फ्रॉम अ कॉलेज एज अ गेस्ट लेक्चर, अगर सैलरी मिलता है तो सर ये पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल नहीं है, अगर रेमुनरेशन मिलता है तब भी पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल नहीं है, उसके लिए अदर आइदर सैलरी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कैश गिफ्ट फ्रॉम द क्लाइंट, सर ये तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आप शायद भूल गए, मैंने जब पीजीबीपी फर्स्ट क्लास शुरू किया था वहां पर मैंने एक जगह दिया था, अगर आपको बाय द एप्रिसिएशन फ्रॉम योर क्लाइंट पैसा मिलता है, गिफ्ट मिलता है, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा पीजीबीपी में। क्या बोल रहा हूं, क्लाइंट अगर आपका काम में बहुत उसको अच्छा लगा, मन भर गया है, वो आपको गिफ्ट हुआ देते हैं, वो कौन सा हेड में टैक्सेबल होगा, पीजीबीपी हेड में, बिकॉज इसका कनेक्शन, क्लाइंट का कनेक्शन प्रोफेशन और बिजनेस के साथ ही है। डॉक्टर को अगर आप लोग गिफ्ट देते हैं तो ये उसका पीजीबीपी हेड में ही जाएगा, आईएफओएस में नहीं जाएगा, बिकॉज आईएफओएस में तभी जाता अगर वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल नहीं होता, देन तो पूरा ही 20,000, लेकिन अगर आईएफएस होता इन एक्सीडिंग 50,000 तो टैक्सेबल होता। लेकिन ये गिफ्ट किस कहां से मिल रहा है, कैश गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट्स, अगर क्लाइंट से मिलता है तो नेचुरली यहां पर ही जाएगा। ओ बोल भी दिया ऑन एप्रिसिएशन ऑफ सर्विस, फाइन। एग्जामिनर्स रेमुनरेशन सेम है, कॉलेज में पढ़ाता है तो उसके एग्जामिनर से रेमुनरेशन भी मिलता होगा, लेकिन वो क्या पीजीबीपी हेड में जाएगा, नहीं, आईएफओएस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। तो ये हो गया 4, 7, 8 लेस अलाउबल एक्सपेंसेस, इसका तो डिजायर सवाल ही नहीं पैदा होता, बिकॉज ये कोई तो इनकम कंप्यूट ही नहीं किया, मुझे तो इनकम कंप्यूट करना पड़ रहा है। अभी तक जो हुआ था हम लोगों को पीएल दे दिया गया था, प्रॉफिट मुझे पता था, उसको ही एडजस्ट करके करते थे, लेकिन यहां पर तो डायरेक्ट दे दिया है। सैलरी टू स्टाफ, सैलरी टू स्टाफ 2,79,500, प्रोफेशनल एक्सपेंसेस 14,000, ऑफिस एक्सपेंसेस 17,250 देखिए तो कुछ बोला है, 1/4 ऑफ द मोटर कार एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पर्सोनल, मतलब 1/4 सर तो मोटर कार एक्सपेंसेस बोला है। अरे भाई मोटर कार एक्सपेंसेस में डिप्रिसिएशन भी तो आता है, एक्सपेंसेस मतलब पेट्रोल, तो अगर पेट्रोल का 1/4 पर्सोनल है तो कार का भी तो डिप्रिसिएशन भी 1/4 पर्सोनल होगा, 3/4 बिजनेस होगा, तो 3/4 मेरे प्रोफेशनल में दिखाया और 1/4 को अलाउ नहीं करूंगा। ऑफिस यूज 17,250 डिवाइडेड बाय 4 × 3 12,938 मोटर कार एक्सपेंसेस फॉर ऑफिस, सेम चीज, हाउ मच मोटर कार एक्सपेंसेस 1,15,000 उसका 3/4 1,15,000 × 3 डिवाइडेड बाई 4 86 to 15 वेरी गुड
डोनेशन टू कलकत्ता यूनिवर्सिटी, खबरदार कोई डोनेशन ये पर्सनल नेचर के यहाँ पर नहीं आएगा। मुझे एक स्टूडेंट ने फोन करके पूछा था जैसे सर डोनेशन को क्या करूंगा, एक्चुअली डोनेशन मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ाया नहीं है, वो आएगा लेकिन इस हेड में नहीं आएगा, वो डिफरेंट एरिया में जब चैप्टर 6 का डिडक्शन करेंगे तब वहां पर आएगा। लेकिन आपको तो मैंने बोला है कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम कंप्यूट करने के लिए तो नहीं बोला है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस थोड़ी आएगा तो पर्सनल है कितना 2,79,500 प्लस 14,000 प्लस 8,000 प्लस 12,938 प्लस 86,250 400688 PG taxable PGBP 874 473312 not household expenses and donation to Calcutta University is sir scientific research के लिए, तो ये सब तो वर्ड नहीं बोला, क्यों खामा का दिमाग में ला रहे हो। Calcutta University is a disallowed expenses as it is personal in nature. Done. Direct approach से भी problem हो गया। देखो मैंने यहाँ पर starting में net profit as per PL नहीं लिखा। Direct approach तो income एक जगह करेंगे, expenses एक जगह minus करेंगे, हो जाएगा। Clear? देख लीजिए। चलिए इलस्ट्रेशन टू, ये तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का था। इलस्ट्रेशन टू हो गया है दैट इज एक मेडिकल प्रैक्टिशनर का, डॉक्टर का, तो चलिए डॉक्टर का भी कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन computation of taxable income of PGBP of Shamapti Thisen previous year 2019-20 assessment year 2020-21 चलिए ए इनकम चार्जेबल under PGBP income chargeable under PGBP क्या है, देखो क्या क्या वहां पर आएगा। डॉक्टर consultancy fees आएगा, operation theatre okay, visiting fees हो सकता है वो किसी जगह में attached है तो visiting fees भी डॉक्टर को मिलता है, सेल ऑफ मेडिसिन से भी पैसा आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड पीजीबीपी हेड में नहीं होगा, रिटेनर फीस, ये रिटेनर फीस जानते हो क्या है,
सुनो अच्छी तरह से, डॉक्टर को कभी कभी किसी कंपनी अपॉइंटमेंट करके रखता है, बोलता है आप मेरे कंपनी का डॉक्टर है, मेरा कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो गया तो आपको मैं बुलाऊंगा और मेरा एम्प्लॉय का आप देख रेख करके जा सकते हैं। तो ये जो डॉक्टर कंपनी के साथ अटैच होता है उसका नाम है रिटेनर। तो रिटेनर फीस डॉक्टर को अगर मिलता है ड्यू टू हिज प्रोफेशन, तो ये प्रोफेशनल इनकम ही माना जाएगा। चलिए, सेल ऑफ मेडिसिन, सेल ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर दवा बेचते हैं, यस, सैंपल आता है ना उसके पास 50,000, हो सकता है उसका खुद का मेडिसिन का दुकान भी है। हाँ, कंसल्टेशन फीस 1,30,000, कंसल्टेशन फीस 1,30,000, ऑपरेशन थिएटर, उसका खुद का ऑपरेशन थिएटर है, रेंट 30,000, विजिटिंग फीस, घर में जाके प्रॉब्लम देखता है, विजिटिंग फीस 1,00,000, रिटेनर फीस 30,000। कोई कंपनी से जो पैसा मिलता है बिकॉज वहां का वो डॉक्टर है, इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड ये हेड में नहीं आएगा, वो IFOS हेड में आएगा। तो टोटल कितना हुआ, 50 प्लस 260 प्लस 30, 3,40,000, लेस अलाउबल एक्सपेंसेस 25 ऑफ मेडिकल बुक्स, आप लोगों को बोल देते हैं बुक्स जर्नल 100% डेप्रिसिएशन, मतलब जितना आप बुक खरीदते हैं उसको पूरा ही, इवन कैपिटल एक्सपेंडिचर तब भी ये अलाउड हो जाता है बिकॉज बुक का लाइफ एक साल ही मान जाता है। तो परचेज ऑफ मेडिकल बुक्स, परचेज ऑफ मेडिकल बुक्स जर्नल्स, याद रखिएगा ऑलवेज 100% ऑफ 8,000, 8,000। परचेज ऑफ सर्जिकल इक्विपमेंट नहीं आएगा, वाई, बिकॉज ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हाँ, उसके रिलेटेड डेप्रिसिएशन आ सकता है, वो बाद में देखूंगा। क्लिनिक रेंट 30,000, क्लिनिक रेंट 30,000, रेंट एंड टैक्सेस, ओहो हो, एक चीज मिस किया, आ गिफ्ट ऑफ रुपीज 10,000 मेड बाय अ पेशेंट ड्यू टू अप्रिसिएशन ऑफ सर्विस। तो गिफ्ट, सेम चीज जो यहां पर किए थे, कैश गिफ्ट, गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट कितना दिया है, यहां पर भी दिखा दिया, यहां पर भी दिखा दिया। क्लिनिक रेंट 30, क्लिनिक रेंट 30, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, हो सकता है प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ता है, जैसे रेट्स एंड टैक्सेस 10,000, मोटर कार एक्सपेंसेस 30,000 है, मोटर कार 1/3 ऑफ द मोटर कार एक्सपेंसेस, ओके, 2/3 ऑफ 30,000 ऑफिस यूज 20,000,
मोटर कार डेप्रिसिएशन 2/3 ऑफ 12,000 तो मोटर कार गया स्टाफ सैलरी 1,16,000 स्टाफ सैलरीज मेडिकल एसोसिएशन मेंबरशिप आप जानते ही है देना पड़ता है मेंबरशिप चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी देना पड़ता है यस मेंबरशिप फीस वो देना ही पड़ता है मेंबरशिप रखने के लिए हम लोग का एक नंबर मिलता है ये नंबर के लिए ना पैसा देना पड़ता है फ्री में थोड़ी ही देता है 10,000 नाम के पायलट सीए लिखेंगे नाम के पायलट डॉक्टर लिखेंगे और फीस नहीं देंगे खेला हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर कितना बोलो 8,000 ऑडिट फीस देखो तो कुछ बोला है और नहीं मुझे लग रहा है ऑडिट फीस इंक्लूडिंग पर्सनल इनकम टैक्स पेमेंट नहीं आएगा ऑडिट फीस का 20,000 से पर्सनल को एक्सक्लूड कर देंगे बिकॉज इनकम टैक्स इज अ पर्सनल आइटम क्लास के शुरू में ही बताया था तो 20,000 से 15,000 माइनस ओके तो 20,000 से 15,000 माइनस होने के बाद 5,000 ऑडिट फीस स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस 100% स्टाफ रखोगे तो स्टाफ का वेलफेयर तो लगेगा ही स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस वेरी मच अलाउड एक्सपेंसेस मेडिसिन परचेस्ड 60,000 मेडिसिन परचेस्ड मेडिसिन बेचना अगर इनकम है तो मेडिसिन खरीदना भी आपका अलाउबल एक्सपेंस होगा 16 एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस वेरी मच अलाउड एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस मान के चलेंगे ए प्रोफेशनल काम के लिए व एम्प्लॉय लोगों का एंटरटेनमेंट के लिए दिवाली एक्सपेंसेस एक्चुअली मैं जानबूझ के ये सब एक्सपेंसेस यहां पर डाल के रखा हूं सेम कॉन्सेप्शन आपका पीजीबीपी में भी लगेगा मतलब इनडायरेक्ट अप्रोच में अगर एंटरटेनमेंट दिवाली एक्सपेंसेस दिया रहता है तो आप मान के चलेंगे अलाउबल एक्सपेंसेस है स्टाफ रहेगा तो आप उसको दिवाली गिफ्ट नहीं देंगे नहीं दे सकते लेकिन देंगे तो अलाउबल एक्सपेंसेस है अच्छा डेप्रिसिएशन ऑफ सर्जिकल इक्विपमेंट आपको करना पड़ेगा वो नहीं दिया है तो डेप्रिसिएशन ऑन सर्जिकल इक्विपमेंट्स नोट वन यहां पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके दिया था आपको यहां पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा वर्किंग नोट वन कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन WDV as on 1/4/2019 kitna the WDV of equipment forward 46,000 add
परचेज इक्विपमेंट परचेज 16 लेस सेल्स प्रोसीड 6000 1 lakh WDV 31/3/2020 सर एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा ना, इट इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ओनली नॉर्मल डेप्रिसिएशन। तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन का रेट कितना बोल दिया है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन का रेट 15%। फाइन सर, ये परचेस कब हुआ है कैसे पता चलेगा? कुछ नहीं बोला है तो मैं मान के चलूंगा पुट टू यूज मोर देन 180 डेज डेप्रिसिएशन। वन लाख के ऊपर इंटू स्ट्रेट वे 15% दैट इज 15,000। नोट एज्यूमिंग न्यू इक्विपमेंट और वॉज पुट टू यूज फॉर मोर देन 180 डेज। तो अगर मोर देन 180 डेज है तो सबके ऊपर ही नॉर्मल 15%, अगर लेस देन 180 होता तो 60 के ऊपर 15% का 50% और बाकी जो बचा रहता है 40। क्यों 40? 1 lakh का 60 मैंने कर लिया और बाकी 40 उसके ऊपर 15%। लेकिन यहां पर कुछ नहीं बोला है तो मान के चलता हूं 15% ही डायरेक्ट। तो 1 lakh के ऊपर 15% दैट इज 15,000। बोलिए क्या होगा, 8,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000 प्लस 8,000 प्लस 1,60,000 प्लस 18,000 प्लस 21,000 प्लस 72,000 प्लस 16,000 प्लस 15,000 3,78,000। डॉक्टर साहब का तो बहुत हाल खराब हो गया, इनकम से एक्सपेंसेस ज्यादा, लॉस अंडर PGBP नेगेटिव में फिगर। हम लोग सिंस लॉस लिख रहे हैं तो नहीं लिखेंगे 38। अगर कोई लिखता है इनकम फ्रॉम PGBP तो ब्रैकेट में नहीं साइन देगा, मतलब लॉस। क्लियर? तो सेम चीज, सेल ऑफ मेडिसिन, कंसल्टेशन, ऑपरेशन, विजिटिंग रिटेनर एंड गिफ्ट और बाकी ये सब अलाउबल एक्सपेंसेस। नोट गिफ्ट इन कनेक्शन विथ The profession is taxable under PGBP. Note 1, note 2. Income tax is a personal expenses hence not allowed as deduction. प्रोफेशनल इनकम बाकी था, चलो प्रोफेशनल इनकम कर लिए आराम से, ठीक है। चलो अच्छी तरह से देख लो,
मैंने बोला था ये तो प्रोफेशनल प्रॉब्लम के बाद मैंने आप लोगों को एक प्रॉब्लम कराऊंगा जहां पर इनडायरेक्ट अप्रोच, लेकिन वहां पर पीएल नहीं दिया है, वहां पर सिर्फ नेट प्रॉफिट आपको बोल दिया जाएगा। इनडायरेक्ट अप्रोच से ही आपको टैक्सेबल प्रॉफिट करना पड़ेगा। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 3 वासुदेव, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। कॉम्प्यूटेशन इलस्ट्रेशन 3, कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल बिजनेस इनकम, ऑफ मिस्टर वासुदेव, प्रीवियस ईयर 2019-20, नेट प्रॉफिट एज पर PL 1,52,000। बस उसने एक्सपेंसेस PL नहीं दिया है। पैटर्न देखिए क्वेश्चन, मुझे अभी भी याद है GCR में क्वेश्चन आया था, स्टूडेंट मेजॉरिटी उसको समझ में ही नहीं आया इसे करना क्या है। जो PL में डेबिट दिया रहता है वो यहां पर वो लिख के दिया है एड दिस अलाउड। He has taken up goods for his personal use costing 12,000. However, sales account credited by rupees 10,000. देखिए notional profit, notional loss नहीं adjustment होगा। The profit and loss was debited 5,000 as a interest on capital and 25,000 as remuneration. तो ये दोनों ही, because the interest on capital and remuneration of the Vasudev, ये दोनों ही personal expenses है तो disallowed होगा। इंटरेस्ट बोल दिया है पीएल में डेबिट किया है तो आपको डिसअलाउ करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, रेमुनरेशन टू वासुदेव 5,000, पर्सनल एक्सपेंसेस है, रीजन क्या है पर्सनल लीगल चार्जेस 10,000 फॉर इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स। मैंने क्या बोला था इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स से अलाउबल एक्सपेंसेस, लेकिन इनकम टैक्स इज अ डिसअलाउड एक्सपेंसेस, तो इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स ब्रैकेट में अलाउबल एक्सपेंसेस। आपको समझाने के लिए अच्छा चलो चलो यहां पर नहीं लिखेंगे। इनकम टैक्स पेमेंट प्रोसीडिंग्स अलाउबल है इसलिए डिसअलाउ नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स पेमेंट इज अ डिसअलाउड एक्सपेंसेस। कितना 5,000 पेनल्टी फॉर इन्फ्रिंजमेंट, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ 7,000, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक होगा लेकिन वो बाद में। प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट वाज एक्सेस डेबिटेड 5,000, एक्सेस डेबिटेड बाय रुपीस 5,000 ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। मतलब पीएल में एक डेप्रिसिएशन ज्यादा डेबिट किया गया है तो इनकम टैक्स अनुसार 5,000 कम डेबिट होगा, तो आपने ज्यादा डेबिट किया मतलब ज्यादा अलाउ करके रखा है तो डिसअलाउ होगा। एक्सेस डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स एक्सेस डिप्रिसिएशन
कौन डिसाइड करेगा एक्सेस? इनकम टैक्स रूल्स में जितना डिप्रिसिएशन है और अकाउंट्स में जितना डिप्रिसिएशन है, आपने 5000 ज्यादा चार्ज कर लिया था तो 5000 डिजॉल्व आउट। प्रॉफिट एंड लॉस हैज बीन क्रेडिटेड 3000, अच्छा ओके। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 20000 टू डोनेशन नहीं आएगा, कुछ देर पहले ही बताया था एडवर्टाइजमेंट ना डोनेशन जो एडवर्टाइजमेंट में इंक्लूड था, डोनेशन पर्सनल कितना 20000। प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट 10000 डिसअलाउड। बैड डेट 7000 प्रोविजन में चार्ज किया है। आप लोग जानते हैं अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट से बैड डेट का दो प्रकार ट्रीटमेंट हो सकता है, एक आप बैड डेट को प्रोविजन अकाउंट में डेबिट करते हैं और दूसरा अल्टरनेटिव बैड डेट को पीएल में डेबिट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जितना प्रॉब्लम किया है वहां पर बैड डेट को पीएल में ही मैंने डेबिट किया। ये क्वेश्चन में बैड डेट को प्रोविजन में डेबिट करके रखा है तो पीएल में आया ही नहीं, लेकिन वो मेरा अलाउबल एक्सपेंसेस है तो जब मैं अलाउबल एक्सपेंसेस लेस करूंगा तो तब मुझे बैड डेट को भी लेस करना पड़ेगा। तो चलिए लेस अलाउबल एक्सपेंसेस, सिर्फ एक ही मिल रहा है बैड डेट 7000। Why? Because bad debt PL में debit नहीं था, provision for bad debt में debit था और provision for bad debt आपने cancel कर दिया, तो provision हटाइए, bad debt जो है वो actually minus कीजिए। Less income credited to PL, to PL wrongly। देखते हैं क्या इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट एंड डिविडेंड। इंटरेस्ट वो यहां पर नहीं होता है, IFRS में होता है इंटरेस्ट फ्रॉम FD, डिविडेंड फ्रॉम सन फार्मा, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, कोरोना वायरस में इसका बहुत बड़ा योगदान है, मतलब वैक्सीनेशन बनाने के लिए बहुत काम कर रहा है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट कितना 3500, एंड 15000 18500 गलती से क्रेडिट हुआ, पीजीबीपी एड नहीं होगा अदर सोर्स में होगा। एक्सेस ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, चलिए ओपनिंग स्टॉक ओके इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक वर वैल्यूड एट रुपीज 9000 एंड रुपीज 14000 रेस्पेक्टिवली, आइदर रेस्पेक्टिवली ईच वर वैल्यूड 10% बिलो कॉस्ट, तो क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड मतलब प्रॉफिट कम दिखाया है एंड क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड। कितना 14400 इंटू 10/90 ओरिजिनल का शाफ नहीं आवाज अच्छा ना 14400 इंटू 10/90 वाई 90 ओरिजिनल वैल्यू था 100, 10% बिलो वैल्यू हुआ इसलिए 90 116। लेस ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू मतलब ओपनिंग स्टॉक मतलब खर्चा डेबिट साइड, ओपनिंग स्टॉक कम दिखाना मतलब डेबिट कम दिखाना, डेबिट कम दिखाने का मतलब है खर्चा कम दिखाना,
खर्चा कम दिखाने का मतलब ऑटोमेटिकली सर प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो लेस करना पड़ेगा, लेस ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड। एक पॉइंट मैंने छोड़ के रखा था, बी नंबर पॉइंट, ही हैज टेकन अ गुड्स फॉर हिज पर्सनल यूज कॉस्टिंग 12,000, हाउएवर सेल्स अकाउंट क्रेडिट 10,000। खुद के साथ खुद प्रॉफिट भी नहीं कर सकता है, खुद के साथ खुद लॉस भी नहीं कर सकता है। यहाँ पर लॉस नहीं, प्रॉफिट करके रखा है। कॉस्टिंग था 12,000, सेल्स में क्रेडिट किया है, सॉरी 10,000, मतलब लॉस किया है, तो उसको तो कैंसिल करना पड़ेगा। एट गुड्स विथड्रॉन ओवर लोअर देन कॉस्ट कितना, बारह ट्वेल्व थाउजेंड का चीज उसने क्रेडिट सेल्स में दिखाया 10,000, मतलब 2,000 लॉस किया, और 2,000 लॉस को कैंसिल करना पड़ेगा, एड बैक करो, तो ऊपर वाला को 25,000, 30,000, 12,000, 42,000, 25,000, 67,000, 10,000, 47,000 स्टोरी खत्म। टैक्सेबल पीजीबीपी 1,52,000 प्लस 77,000 2,29,000, 2,22,000 -7,000, -18,500 +1,600 -1,000 +2,000 2,06,000 एक स्टूडेंट बहुत अच्छा मुझे फोन करके सवाल किया, सर हर प्रॉब्लम में मैं देखता हूँ 2,00,000-3,00,000 से ज्यादा इनकम नहीं होता है बिजनेस में, क्या इतना कम इनकम होता है? नहीं, बहुत ज्यादा इनकम होता है। मैंने प्रॉब्लम छोट रखने के लिए हम लोग इस पर इतना छोटा मैं फिगर में रखते हैं। चलिए एक नोट कंप्लीट कर देते हैं। नोट, इनकम टैक्स इज डिसअलाउड एक्सपेंसेस, डिसअलाउड एक्सपेंसेस, हाउएवर इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स expenses is allowable expenses, okay? बस इसके साथ मेरा साइड से जितना हो सकता है मैंने आपको कवर कर दिया। अब कभी कभी छोटा मोटा जगह में प्रॉब्लम हो ही सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है। आप लोग देखिए, अब ऑलवेज प्रोविजन को रिपीट कीजिएगा, प्रॉब्लम वहां पर छोटा छोटा करके मैंने जो दिया है वो प्रॉब्लम को रिपीट कीजिएगा। ये जो 4 मास्टर प्रॉब्लम 5 मास्टर प्रॉब्लम मैंने करा है इसको देखिएगा। मैं आप क्वेश्चन तो भेजूंगा, वो करने की आप लोग कोशिश करेंगे। एनी प्रॉब्लम फोन कीजिएगा, व्हाट्सएप में दीजिए, मैं आप लोग रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है? चलो इसके बाद हम लोगों का न्यू चैप्टर शुरू होगा। सोचने दो क्या कराएंगे, उसके बाद बात करते हैं आप लोगों के साथ। चलिए जी।